हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम SVG यानी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं। कहां पर यूज करेंगे? तो HTML के अंदर। तो यहां पर सबसे पहले तो कमेंट मैंने लिख दिया है, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, तो यहां पर मैंने SVG लिख दिया है और एक्सक्लेमेशन लगा के लिखा है, तो इसका मतलब कि ये कमेंट हो गया है। ठीक है, अब यहां पर बाकी की चीजें मैं यहां पर सीधा बॉडी लिखता हूं, टाइटल और हेड नहीं लिख रहा मैं। फिर नीचे आते हैं, अब यहाँ पर SVG लगाएंगे। SVG से क्या फायदा होता है? आप पेंट के जैसे ड्राइंग HTML पे बना सकते हैं, ये फायदा है SVG का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं विथ दूंगा, विथ यानी चौड़ाई क्या रहेगी, तो चौड़ाई मैं यहाँ पे कर देता हूँ 500। फिर यहाँ पर बात आती है हाइट की, HEIGHT हाइट लिखा हमने, और हाइट कर देते हैं हम यहाँ पर 150। कितना कर देते हैं? 150 कर देते हैं। तो ये हो गया 150 हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर 150 हाइट करने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर इसे क्लोज करना है, और क्लोज करके इसके बाद बात कर लेते हैं आगे। तो यहां पर मैं एक लिखने वाला हूं, यहां पर जैसे अब इसको क्लोज करते हैं और क्लोज करके एंटर करते हैं और एंटर करके आते हैं, यहां पर हम देंगे रेक्ट, यानी रेक्टेंगल हम बनाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पर रेक्ट लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये हम क्या बनाने वाले हैं, रेक्टेंगल बनाने वाले हैं। तो यहां पर रेक्ट लिख दिया, और रेक्ट लिखने के बाद क्या करना है, यहां पर दे देना है कि रेक्ट एंगल जो है, यहां पर मैंने दे दिया, ये सपोज कीजिए मैंने दिया x इज इक्वल टू यहां पर दे दिया 10। ठीक है, और इसको क्लोज किया, यानी डॉटेड कॉमा को क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद यहां पर y दे देते हैं, यानी x और y यानी कि जो दोनों छोर हैं उनके साइज क्या रहेगी वो मैं दे रहा हूं यहां पे। तो y इज इक्वल टू कर देते हैं 10। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या कर दिया, 10 कर दिया, और 10 करके और डॉटेड कॉमा को क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे विथ दे देते हैं फिर से, WIDTH विथ लिखा हमने, इज इक्वल टू डॉटेड कॉमा में लिख दिया हमने 200, यानी ये विथ हो गई। ठीक है, और फिर यहाँ पर हाइट भी देते हैं HEIGHT। ठीक है, तो ये हाइट कर दिया हमने 100, और इस पर स्ट्रोक लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल स्ट्रोक भी कर देता हूँ, और स्ट्रोक मैं किस कलर का लगाऊंगा, स्ट्रोक लगाऊंगा मैं ग्रीन कलर से। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रोक कर देता हूँ इज इक्वल टू GREEN ग्रीन कलर कर दिया है, और देन यहाँ पे फिर लिखूंगा मैं STROKE स्ट्रोक, और डैश दे करके, और उसकी जो विथ होगी वो कितनी चौड़ी होगी वो भी मैं दे देता हूँ, WIDTH विथ हो गया, और विथ इज इक्वल टू कर देते हैं यहाँ पे 5 या 10 कर देते हैं 10, तो यहाँ पे 10 दे देता हूँ। तो ये 10 हो गया इसका विथ, और किस कलर से हम इसे फिल करेंगे वो भी हमें देना होता है, तो यहाँ फिल कर देते हैं हम, यहाँ पे कर देते हैं येलो, YELLOW, यानी येलो कलर से हम इसे फिल करेंगे, और यकीन कीजिए पेंट जैसी ड्राइंग बनेगी ये। यहाँ पे इज इक्वल टू जरूर लिख लीजिएगा, ये इज इक्वल टू लिखना ना भूलिएगा, और यहाँ पे ये डॉटेड कॉमा में रहेगा, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एंटर करना है, और एंटर करके, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर SVG को क्लोज कर देता हूँ। SVG क्या होता है, SVG जो है ये होता है आपका स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, और ये जो है कंटेनर टैग होता है। इसके बाद बॉडी टैग को क्लोज किया, टाइटल वाइटल का झंझट ही नहीं है, लिया ही नहीं है तो क्लोज क्यों करेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ से कंट्रोल एस कर देंगे, जैसे कंट्रोल एस करेंगे तो इसको हम डेस्कटॉप पे ही ले लेते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, और मैं इसे SVG के ही नाम से .stm या .html कुछ भी लगा सकते हैं आप, लगा करके और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे, और अब इसको चलाने की बारी है। तो यहां से इसको पहले क्लोज करते, ये यहां पे आया हुआ है, अब बारी है इसको चलाने की, डबल क्लिक करते हैं देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे देख सकते हैं एक आपको इमेज नजर आएगी इसमें, और ये इमेज किस तरह की है, और यहां पे देखिए स्ट्रोक किसे को इसी को कहते हैं, देखिए ये ही स्ट्रोक कहलाता है, ये जो है ना, ये देखिए ये कितना मोटा बना हुआ है, इसे स्ट्रोक कहते हैं। अब अगर मैं स्ट्रोक चेंज करता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आए और ये स्ट्रोक को ग्रीन किया था हमने, और यहाँ पर स्ट्रोक 10 दिया था, अगर मैं 30 कर देता हूँ उसको, यहाँ पर देखिए ये 30 अगर कर देता हूँ और कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ, देन इसको चलाता हूँ, यहाँ पर देखिए फिर इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये स्ट्रोक इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी को स्ट्रोक कहते हैं, अगर आपने फोटोशॉप पढ़ा होगा तो उसमें स्ट्रोक का मतलब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पर देखिए ये कलर येलो दिया गया है और स्ट्रोक का कलर ग्रीन है, अगर मैं इसे चेंज कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर रेड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्ट्रोक का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रोक का कलर चेंज, अब ये रेड कलर में आ गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है,
उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। अब देखिए इसमें चेंजेस और भी कर सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए ये यहां पर x और y दिया गया है, तो विथ और हाइट दिया गया, तो अगर मैं विथ 500 कर देता हूं और यहां पे हाइट कर देता हूं 300, तो यहां पे देखिए अब इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूं और देन वापस से आ जाते हैं यहां पर और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें अगर आप स्ट्रोक कम करना चाहते हैं, यहां पे देखिए ये स्ट्रोक 30 है, स्ट्रोक की विथ जो है 30 दी गई है, तो इसको मैं कम कर देता हूं, लाइक यहां पे कर देता हूं 10, तो यहां पे स्ट्रोक की विथ 10 कर दिया है, तो 10 करने से ये फायदा होगा कि यहां पे स्ट्रोक जो है कम नजर आएगा, ये देखिए ये चीज जो है कम आ रही है, देख रहे हैं। अब इस कोड में थोड़ा चेंजेस करते हैं, ठीक है, चेंजेस क्या करेंगे, यहां देखिए एसबीजी लगाया है, विथ दिया है हमने, ठीक है, तो इस विथ को हम 400 कर देते हैं, ये 400 कर दिया, इसके बाद हाइट है तो हाइट को हम 150 ही रखते हैं, और यहां रिएक्ट है, रेक्ट रेक्ट है, तो रेक्ट को हम क्या करेंगे, यहां पर 10 रखा है और यहां पर भी 10 रखा है हमने, विथ जो है विथ हमें यहां पे 200 कर देनी है, यहां पे 200 कर देते हैं, ये देखिए यहां पे ये 200 कर दिया, और हाइट क्या रखनी है, हाइट हमें यहां पे 100 रखनी है, तो विथ के बाद हाइट आएगा, तो हाइट यहां पे 100 कर देते हैं, और जैसे ही 100 करेंगे तो यहां पर फिर स्ट्रोक आएगा, तो स्ट्रोक हमने रेड रखा है, और यहां पे स्ट्रोक की विथ को चेंज कर देते हैं, स्ट्रोक की विथ क्या रख लेते हैं, यहां पे 7 रख लेते हैं, क्या रखेंगे 7, तो ये 7 कर दिया, और फिल यहां पे दिया गया है, तो फिल हम इस बार ब्लू कलर से करेंगे, तो यहां पे देखिए ये ब्लू कर देते हैं BLUE, तो ये ब्लू कर दिया है, और फिर SVG को क्लोज करना है, देन अभी इसको चलाने की बारी है, तो यहां पर जो है कुछ इस तरीके से सेव कर लिया, अब एक बार इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो यहां पर SVG पर डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, देख सकते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी।